महिला के साथ अगर बलात्कार हो जाए आप उसको बहुत बड़ी बात बना देते हो, और उसी को आप अगर शिक्षा नहीं लेने दे रहे तो आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होती। कहीं दो अपराध हुए हैं, एक अपराध किया गया एक अजनबी द्वारा। क्या अपराध किया गया? कि बलात्कार कर दिया और अजनबी बलात्कार करके भग गया। एक बड़ी हिंसक विभत्स घटना थी जो 10-15 मिनट आधे घंटे चली, अजनबी बलात्कार करके भाग गया। और दूसरी जो घटना घटी है वो चल रही है 10 साल 20 साल, और लड़की के माँ बाप ही हैं और वो उसको समुचित शिक्षा नहीं लेने दे रहे। समुचित शिक्षा न लेने मतलब ये नहीं कि अनपढ़ ही रख दिया, वो कह रहे हैं यहीं कस्बे का जो स्कूल है उसी में पढ़ ले, जो यहीं कस्बे का कॉलेज है उसी में बीए कर ले, और उसके आगे तो ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है, शादी कराए देते हैं। अब इन दोनों में सनसनीखेज खबर कौन सी है? बलात्कार की। इन दोनों में पब्लिक नारा किसके खिलाफ लगाएगी? पहले वाली चीज में जहां कोई लड़का बलात्कार करके भाग गया था। मैं समझता हूं इन दोनों में ज्यादा विभत्स घटना दूसरी है, लेकिन चूंकि इस समाज की दृष्टि ही कामुक है तो स्त्रियों के प्रति अपराध भी जब काम प्रेरित होते हैं तो वो ज्यादा उसको महत्व देता है और सनसनी बना देता है। किसी लड़की को पढ़ने नहीं दिया गया ये छोटी बात है, इस पर कोई सनसनी नहीं बजाता हमारा समाज, क्योंकि हमारा समाज खुद वासना से ग्रस्त है, तो उसको पढ़ने नहीं दिया गया ये कोई सनसनी की बात नहीं है। उसका बलात्कार हो गया बड़ी सनसनी की बात है, जबकि ज्यादा बड़ा अपराध यह है कि उसको पढ़ने नहीं दिया गया। आप जानते हैं जब बलात्कार के एकदम विभत्स क्रूर हिंसक मामले मीडिया में आते हैं तो यूट्यूब पर बलात्कार की उन घटनाओं की क्लिप्स की मांग बढ़ जाती है। गूगल पर मान लीजिए कोई महिला है, उसका कुछ नाम है कखग, और मामला सामने आ जाए कि उसका ऐसे बलात्कार हुआ और बड़ा हिंसक हुआ है, एकदम दिल दहलाने वाली बात है, लोग गूगल पर सर्च करना शुरू कर देते हैं कि उस बलात्कार की हमको वीडियो क्लिप मिलेगी क्या। सनसनी फैलती है ना, और समाज ही कामुक है। तो एक ओर तो यही समाज खुद उस बलात्कार की वीडियो क्लिप देखना चाहेगा, और दूसरी ओर क्या बोलेगा, बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो। कहते हैं ना बलात्कारी को तुरंत फांसी दो, चौराहे पे खड़ा कर गोली मार दो, लटका दो इसको, मार दो। सनसनी। महिलाओं को भी ये जानना चाहिए कि तन और मन में प्राथमिकता हमेशा मन की है, क्योंकि आप देह नहीं है, आप चेतना है। कोई आपकी देह के खिलाफ अपराध कर दे, बलात्कार वगैरह, वो निश्चित रूप से एक अपराध है, पर उससे कहीं बड़ा अपराध है जब कोई आपकी चेतना को सीमित और संकुचित रख दे, आपको पढ़ने वगैरह न दे, आपके पर कतर दे, आपको जीवन में अनुभव न लेने दे, आपको घर में कैद कर दे, वो बलात्कार से कहीं ज्यादा जघन्य अपराध है। लेकिन मेरी बात बहुत लोगों को बहुत अजीब लगी, कहीं अरे बलात्कार से ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसको घर में रखा। हाँ जी साहब, बलात्कार की सजा होनी चाहिए, लेकिन बलात्कार से ज्यादा बड़ी सजा तब है जब एक जीवित इंसान को जो कि एक स्त्री है उसे उसके पोटेंशियल तक आप ना पहुंचने दें, उसे कह दें तू घर में रह, चूल्हा चौका कर और बिस्तर बिछा दिया कर और बिछ भी जाया कर, ये कर तू, ये ज्यादा बड़ा अपराध है। लेकिन इसको तो हम कह देते हैं संस्कृति है, ये अपराध कैसे हो गया, ये तो संस्कृति है साहब। बस बलात्कार भर अपराध है, तो महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हो रहे हैं ये जांचना है, तो देख लो बलात्कार कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। और जो बड़े बड़े विभत्स अपराध है उनकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो हमने दो बातें करी। पहली तो ये कि काम वासना बाकी वासनाओं से, देह वासना बाकी वासनाओं से किस मामले में अलग होती है, तो उसमें हमने कहा कि आप एक जूता मांग रहे हैं, घड़ी मांग रहे हैं, और उसकी तुलना में आप किसी की जिंदगी ही मांगे ले रहे हैं, उसकी देह मांग रहे हैं, दोनों में अंतर है। क्योंकि वासना किसका नाम ले लेती है? प्रेम का। और जब वो प्रेम का नाम ले लेती है तो वो स्थायी बन जाती है, परमानेंट बन जाती है, उसको एक सम्माननीय नाम मिल गया ना, अब उसे कौन हटाएगा। तो वासना इस मामले में अलग है। फिर दूसरी बात हमने करी कि समाज वासना को ही इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों महत्व देता है, सनसनी बनाता है, जो बाकी प्रकार के अत्याचार अपराध अन्याय हैं उनकी हम क्यों नहीं बात करते। उनकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद कामुक लोग हैं, जैसे टीवी एंकर्स को भी कहीं ना कहीं भीतरी कोई गंदा मजा आ रहा हो बलात्कार की ही बात करने में। कितनी महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं, ये बात अपराध की नहीं है, इस पर आप कितनी बहस होते देखते हैं,
देखते हैं क्या? नहीं। कितनी महिलाओं को एनीमिया है, इस पर आप चर्चा होते देख रहे हैं? बहुत कम। महिलाएं अगर नौकरी में पहुंच भी जा रही हैं, तो उनकी प्रगति की, पदोन्नति की दर क्या है, इस पर आप कितनी चर्चा होते देखते हैं? किसी चीज की चर्चा नहीं होनी है महिलाओं को लेकर के, बस एक चीज की चर्चा होनी है, बलात्कार। क्योंकि उसमें सबको खुद काम रस आता है चर्चा करने वालों को, तो बलात्कार की खूब चर्चा करेंगे। लड़की की देह गंदी कर दी किसी ने, बहुत बड़ा मामला हो गया, और पूरी दुनिया मिलकर दिन रात उस लड़की का मन गंदा कर रही है, यह कोई मामला हुआ ही नहीं। क्योंकि हमें मतलब ही लड़की की देह से है, तो जैसे कोई आकर के उसकी देह नोच लेता है, गंदी कर देता है, हमें लगता है अरे 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 कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। सब मिल करके दिन रात उसका मानसिक चीरहरण कर रहे हैं, उससे कोई खबर नहीं बनती। आ रही बात समझ में?